Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, दिग्विजय सिंह जी, जयराम साहब, मोहम्मद जितेंद्र सिंह जी, रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोटासरा जी, मंचासी, सभी नेतागण आज इस विशाल आम सभा में मौजूद, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकली है और 102 दिन में आज अलवर में ये यात्रा पहुंची है। मैं सबसे पहले खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस यात्रा की सभा में आप सम्मिलित हुए, शामिल हुए। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसने पूरे देश का, समूचे नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है। जिन मुद्दों को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है वो मुद्दे बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, आज जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, आज जो सामाजिक तनाव पैदा हुआ है, आज जो संस्थानों को खोखला करने की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, घृणा की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ एक पैगाम को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। और आजाद भारत में ऐसे बहुत कम उदाहरण है जब कोई एक इतना बड़ा नेता जनता से मिलने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए एक करुणा के भाव से, एक हमदर्दी के भाव से, एक प्रेम और प्यार के पैगाम को लेकर पैदल पैदल चलते हुए तमाम प्रदेशों में यात्रा करती राजस्थान में आज आई है। राजस्थान में 4 दिसंबर को यात्रा पहुंची है और हम देख रहे हैं लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और यात्रा से ज्यादा इस यात्रा के संदेश से जुड़ रहे हैं। आज नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो वादे सरकार करती थी उन वादों के खिलाफ आज अगर जवाब मांगने की हिम्मत कोई करता है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 2 हफ्तों में इस यात्रा में हमने चलकर देखा है, इस यात्रा में कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा है, कोई भला बुला नहीं कह रहा है, सिर्फ अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो हमारा इतिहास है, संस्कृति है, हमारे पीढ़ियों से हम लोग देखते सुनते आए हैं, वो कहीं खो रहा था, उसको वापस ढूंढकर लोगों की आवाज बनकर जमीन पर चलकर लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा चली है। जिस संकल्प के साथ चली है, मैं उस संकल्प को सलाम करता हूं। और आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर उपस्थित हो, इस बात का प्रतीक है कि इस यात्रा को लोगों ने स्वीकार किया है। और जो लोग इस यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो बड़े विचलित हैं कि यात्रा की बुराई कैसे करें, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और एक पैगाम दिया है इस यात्रा से, विनम्रता का, प्यार का, नम्रता का, सबको साथ रखने का, जाति, बिरादरी, धर्म, विचारधारा से उठकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। मैं राहुल गांधी जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, ये बहुत मुश्किल यात्रा आपने निकाली है, लेकिन मैं जानता हूं यात्रा श्रीनगर जाएगी और वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। पूरा देश इस यात्रा से जुड़ रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार इस यात्रा का स्वागत हुआ, लाखों लोग जुड़े हैं। मुझे याद है 4 दिसंबर को हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने चुनौती दी थी हमको, हम सब राजस्थान के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा हमने बहुत बड़ा स्वागत यात्रा का किया है, लाखों लोग जुड़े हैं, अब हमारे पे देखना कि राजस्थान के लोग क्या करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत भव्य स्वागत यात्रा का हुआ, लेकिन राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लाखों लोग राहुल जी के साथ यात्रा में जुड़े हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और एक बार पुनः यात्रा का, जो यात्री चल रहे हैं उनका, खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और इस सभा को कामयाब बनाया। आप अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा बरकरार रखना और हम सब लोग आपके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।